हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला अगर नमस्कार। मैं रोशनी आ गई हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी काफी ज्यादा बढ़िया हूँ। तो कर लेते हैं आज के व्लॉग की स्टार्टिंग। व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 11 बजे से और 11 बज चुके हैं। हमारा नाश्ता पानी भी हो चुका है। चाय पानी तो सुबह ही हो गया था, नाश्ता पानी भी हो चुका है हमारा। और नाश्ते में बनाया था मैंने आज रोटी और सब्जी बनाई थी, हरी सब्जी बनाई थी। तो भैया चले गए ऑफिस की तरफ, बच्चे कर रहे हैं थोड़ा अंदर पढ़ाई। और मौसम की बात करूँ तो यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, धूप लगी है, मस्त सा मौसम हो रहा है। तो दोस्तों आज मेरी आंखें थोड़ी पता नहीं सूजी सूजी मुझे क्यों लग रही हैं, पता नहीं मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। कल परसों से पता नहीं अचानक से क्यों इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, तो आंखें पता नहीं अजीब अजीब सी लग रही हैं। तो चलिए दिखा देती हूँ मैं आज आपको यहाँ का मौसम। तो दोस्तों देखिए काफ़ी अच्छी सी धूप लगी हुई है, मस्त सा मौसम हो रखा है। और जैसा कि देखो गेहूँ की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है यहाँ, तो कुछ ऐसा हो रहा है। सुबह 11 बजे के टाइम का मौसम, हल्की हल्की हवाएं भी चल रही हैं, मस्त सा मौसम हो रखा है। और सामने मेरी स्कूटी खड़ी है, अंदर भी नहीं रखी है, बाहर ही है। सुबह भैया ने बाहर पता नहीं क्यों रखी, शायद धुलाई करी थी इसकी तो इसलिए बाहर रखी थी। अभी भी बाहर ही है, अंदर रखनी है इसको। तो दोस्तों देख ही लिया होगा आपने यहाँ का मौसम आज। और आज मेरा बहुत ज़्यादा काम हुआ था, सुबह से बहुत ज़्यादा काम हुआ था क्योंकि हमारे घर पे थोड़ा काम चल रहा था ना। कल काम फाइनल हो गया है तो साफ़ सफाई काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, साफ़ सफाई करनी हो रही थी। तो वो की अभी भी बहुत सारा काम है, कपड़े आधे धुल चुके हैं और आधे धोने के लिए मशीन में डाल रखे हैं। वैसे हमारे घर में क्या काम चल रहा था मैं आप लोग को दिखाती हूँ। फाइनली वो काम हो चुका है, एक हफ्ता समथिंग लग गया होगा काम होते होते। चलिए मैं आप लोग को दिखा देती हूँ क्या चीज बन रही थी घर पे। तो दोस्तों ये जो हमारे घर में काम चल रहा था तो इसी को बनाने का काम चल रहा था। ये है एलईडी पैनल, इसको बनाने का काम चल रहा था। और ये एक टेबल बनाया था, इसके ऊपर एक्वेरियम रखना है। एक्वेरियम हमारे ड्राइंग रूम में है तो उसको उठा के अब यहाँ पे रखना है लॉबी में। और बनाया था एक एलईडी पैनल, इसमें अब बस एलईडी लगानी है। अब कल ही इसका काम कंप्लीट हो चुका है, एक हफ्ते से ज़्यादा लग गया था इसको बनाने में। अब इसमें एलईडी लगानी है बस, अब कल परसों में एलईडी लगाएंगे। और ये है मेरी बेटी जो पढ़ाई की जगह मस्ती कर रही है। और अभी भी मेरा काफ़ी ज़्यादा काम हो गया, साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा काम हो गया था। तो बच्चे नीचे उतरो बेटा। दोस्तों फाइनली एलईडी पैनल बन ही गया, एक हफ्ते से लगातार काम चल रहा था। कारपेंटर भैया कभी मशीन की आवाज़, कभी कुछ, तो सर दर्द हो रहा था उससे भी। अब थोड़ा बहुत मतलब सही हो गया है काम, बन हो गया है काम। तो अब मैं कर लेती हूँ, घर के थोड़े से काम बचे हुए हैं वो कर लेती हूँ। मशीन में कपड़े हैं उनको सुखा लेती हूँ। और लंच में तो पता नहीं हम लोग क्या बनाएंगे आज, शायद नहीं बनाएंगे क्योंकि रोटी सब्जी भी बची हुई है। तो अब कर लेती हूँ मैं घर का काम, फिर मिलती हूँ आपसे। दोस्तों देखती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं अभी, तो देखती हूँ क्या जो कर रहे हैं बच्चे। दोस्तों बच्चों का नाम लिया तो ये तो यहाँ पे बैठ के फोन देख रही है आराम से। अब देखती हूँ भूमि क्या जो कर रही है। भूमि कर रही है पढ़ाई, अपना वर्क कर रही है, वो पढ़ रही है। लेकिन वैसु शैतान खेलने में पड़ी है और ये कर रही है पढ़ाई, अपना वर्क भी कर रही है। तो करने देती हूँ इसको। और इसको देखो ये वीडियो बनाने में पड़ी है, ये काफ़ी ज़्यादा शैतान हो रही है वैशु। तो दोस्तों किचन में, तो दोस्तों अभी बज गए हैं शाम के 5:15 और मेरी बेटी को मैं छोड़ने जा रही हूँ कोचिंग। फिर उसके बाद वैसे और मैं जाने वाले हैं नर्सरी, क्योंकि मेरे 2-3 कमले खाली हो रखे हैं तो उनके लिए लाने हैं मैंने फूल। तो वैसे और मैं जाएंगे वहीं से नर्सरी। तो पॉसिबल होगा तो मैं आपको दिखाऊँगी नर्सरी की वीडियो भी बनाऊँगी, नर्सरी भी दिखाऊँगी अगर पॉसिबल हुआ तो। नहीं हो पाया तो मैं सीधे घर आके आप लोग। तो हम लोग आ चुके हैं अभी नर्सरी में, तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की नर्सरी। नर्सरी का नाम है गोल्डन ग्रीन नर्सरी करके है, ये मंडी के पास है हल्द्वानी में, बड़ी मंडी के पास। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ कैसे कैसे फूल हैं, मस्त से फूल हैं इधर।
कितना प्यारा लग रहा है इधर देखो। मम्मा ये ले लो ना फिर। क्या लें? ये हाँ। अभी लेंगे। गोल्डन ग्रीन नर्सरी करके ये है मंडी के पास, हल्द्वानी की बड़ी मंडी के पास। इधर मस्त से फूल होते हैं, जिसको भी चाहिए आ जाना। इधर ने ले लिए हैं प्लांट, अब हम जाते हैं घर की तरफ। घर जाके ही दिखाऊंगी आपको कि मैंने कौन कौन से प्लांट लिए। तो चलती हूँ मैं घर की तरफ। अब है रात के 8 और मेरा अभी मैं किचन में हूँ। मेरा खाना बन रहा है, सब्जी मेरी बन गई है और रोटी मेरे को बनानी है। अभी मैंने बना रखी है सब्जी में आलू के गुटके और रोटी बनाऊंगी, भी आटा गूंथे हैं, रोटी बनाऊंगी थोड़ी देर में बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे अभी कर रहे हैं पढ़ाई। और हम लोग आ गए थे नर्सरी से, वैसे वाले नर्सरी से आ गए थे। फिर उसके बाद मम्मी को मैं कोचिंग से इधर नीचे को ही लेके आ गई थी। घर आने के बाद मैंने फूलों को जो लेके आई थी प्लांट्स, फूल तो नहीं लेके आई थी, प्लांट्स लेके आई थी, तो उनको मैंने लगा दिए अपने फ्लावर पॉट में लगा दी थी उनको। कल तक आपका सूख भी जाते, तो मैंने कहा कल के लिए आई, छोड़ो आज ही लगा देते, फटाफट से लगा दी। लेकिन उसका व्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फोन में हो गया था चार्ज खत्म, तो मैंने फटाफट उन प्लांट को लगा दिया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कौन से प्लांट लेके आई थी। मैं लाई थी इंडोर प्लांट, लाई थी आउटडोर के लिए तो मेरे पास बहुत सारे थे लेकिन इंडोर के लिए नहीं थे, तो मैं इंडोर प्लांट्स लाई हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कौन कौन से प्लांट लेके आई हूँ। तो मैं ये वाला प्लांट्स लाई थी, एरी का पाम। तो फ्लावर पॉट मेरे पास पहले से था, तो मैं प्लांट्स लेके आई, इसी में लगा दिया मैंने प्लांट। और उसके नीचे से लाई एक स्टैंड, अगर मैं पॉट को ऐसे नीचे रखती तो मार्बल मतलब पत्थर ख़राब हो जाता है ना, इसलिए मैं स्टैंड लेके आई और ये वाला प्लांट्स लेके आई। इसमें मैं छोटा लाने वाली थी बट मेरे को छोटा नहीं मिला, तो बड़ा मिला, मैं ये बड़ा ही लेके आ गई। और एक वाला क्रेजुला ओवाटा है, लेकिन ये मेरा पुराना प्लांट है, तो मैं इस वाले प्लांट को लेके आई। वैसे मेरे पास और भी दो प्लांट्स हैं इसके पहले से पड़े हुए, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास ऑलरेडी इसके दो प्लांट्स हैं यहाँ, ये इंडोर हैं, ये देखिए एक ये वाला है, एक ये वाला है। ये दोनों मेरे हस्बैंड ने लगाए थे। इसके नीचे मैं स्टैंड नहीं लेके आई, लेकिन इसके नीचे से मैंने प्लेट्स रखी हैं ताकि पत्थर ख़राब ना हो जब भी हम पानी डालें। तो ये दोनों प्लांट्स पहले से मेरे पास थे और एक वाला लेके आई आज, इसी टाइप का लेके आई, क्योंकि इसमें केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा, ये इंडोर में हो जाते हैं, इनको पानी की भी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये बिना केयर के भी हो ही जाते हैं, इसीलिए मैं इसी को लेके आई और लगते भी अच्छे हैं। और मैं लेके आई ये वाले प्लांट्स, देखिए एक ये वाला लेके आई, इसका एक वैरायटी मेरे पास पहले से पड़ी है इसकी, ये सीढ़ी में रखने के लिए अंदर। तो एक ये वाला प्लांट लेके आई मैं, और दूसरा इसी की दूसरी वाली वैरायटी। इसके पत्ते मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, इसके पत्ते देखिए ग्रीन और रेड में है, मस्त से पत्ते लग रहे हैं। तो ये भी इंडोरी प्लांट है, मैं इसको भी लेके आई। और एक ये वाला लेके आई, क्रेजुला ओवाटा, कुबेर भगवान का पौधा माना जाता है इसे। ये मेरे पास पहले से, एक तो पहले से ही था और एक और लेके आ गई मैं। और ये फ्लावर पॉट मेरे पास पहले से पड़े थे, इनमें पहले दूसरे प्लांट से तो ख़राब हो गए थे, इसीलिए मैंने इन दोनों ये मतलब फ्लावर पॉट मेरे खाली हो गए थे, तो इन्हीं के लिए ये वाले प्लांट्स लेके आई। ये अच्छे होते हैं अंदर लगाने के लिए ना, इंडोर में लगाने के लिए। और ये तो मेरा छोटा सा मनी प्लांट लगा हुआ है इसमें, और सीढ़ियों में भी इसी टाइप के दो तीन, एक वो स्नेक प्लांट है ऊपर और नीचे जो मैं लेके आई उन्हीं की वैरायटी है। इन सीढ़ियों में सब एक ही वैरायटी के हो चुके हैं ये, तो मैं लेके आ गई थी इसको, यही प्लांट लेके आई। और मैंने इनको लगा भी दिए, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई इस टाइम पे। यही प्लांट लेके आई थी, चार प्लांट अपनी नर्सरी से, क्रेजुला ओवाटा, एरिका पाम, और दो का नाम मेरे को नहीं पता है, तो मैं यही वाले प्लांट लेके आई थी। तो इनको मैंने लगा दिए हैं, वीडियो तो मैं उस टाइम पे बना नहीं पाई क्योंकि मेरे फोन में हो गया था चार्ज खत्म, तो तब मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई इस टाइम पे। अभी मैंने आप लोगों को अपने प्लांट दिखा दिए हैं और लगा भी दिए हैं, तो कैसे लगे आप मेरे को बताना कि प्लांट कैसे लगे। तो गाइज आप कमेंट करके जरूर बताना कि मेरे प्लांट आप लोगों को कैसे लगे,
तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे जल्दी पहुँच जाए। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, बाय।